नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है इंसानियत। एक दिन एक गरीब लड़का जो घर घर जाकर अपना सामान बेचता था ताकि वह अपने स्कूल की फीस दे सके, एक दिन ऐसे ही जब वो काम पर निकला तो बहुत घूमते घूमते उसे भूख लगने लगी। लेकिन आज जब उसने अपनी पोटली देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था। शायद उसकी माँ उसे खाने का डिब्बा देना भूल गई थी और उसे भूख भी बहुत लगी हुई थी। वो घर घर सामान बेचने जाता और सोचता कि यहाँ कुछ खाने के लिए मांग लूँ, पर उससे ये नहीं होता। दूसरे घर में जाकर भी वो कोशिश करता लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। अंततः लड़के ने फैसला किया कि अगले घर में जाकर खाने की बजाय पहले पानी के लिए पूछेगा। जैसे ही उसने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया, एक औरत बाहर आई। उस औरत ने लड़के को देखते ही उसकी हालत का अंदाज़ा लगा लिया था। उस औरत ने उसके लिए एक बड़ा ग्लास भर के दूध लाई, जिसे वह लड़का धीरे धीरे पीने लगा। और पीने के बाद लड़के ने पूछा कि इसके मुझे कितने पैसे आपको देने होंगे। लेकिन उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी पर दयालुता दिखाने पर पैसे लेने नहीं चाहिए, इसलिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज उस लड़के को इंसानियत से परिचय हुआ। उस लड़के ने दिल से उस महिला को धन्यवाद दिया और वहाँ से निकल गया। जैसे ही उस लड़के ने वो घर छोड़ा, वो खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से और अधिक मजबूत महसूस कर रहा था और भगवान पर उसका विश्वास अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत साल बीत गए। अब वो छोटा लड़का एक बड़ा डॉक्टर बन गया था और अपने पेशे को बड़ी ही सहजता से निभा रहा था। एक दिन उसके अस्पताल में एक औरत को लाया गया था जिसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। जब डॉक्टर को पता चला कि ये औरत उसके पुराने शहर की है तो वो उसे देखने तुरंत गया। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो वो उन्हें पहचान गया। ये वही औरत थी जिसने उसकी मदद की थी और एक गिलास दूध भी दिया था। डॉक्टर ने पूरे जी जान से मेहनत की और उस महिला के गंभीर स्वास्थ्य को भी ठीक कर दिया। उस महिला का बहुत ख्याल रखा गया और अंत में जब एक दिन वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन्हें छुट्टी दे दी गई। पर अब उस महिला को सबसे ज़्यादा डर इस बात से लग रहा था कि उसके इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया होगा। वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती थी। बिल थामते ही उसने जब पढ़ा तो उस पर लिखा था, फीस का भुगतान बहुत पहले ही कर दिया गया था एक गिलास दूध से। ये पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बाहर आने लगे और उसने अपनी नम आंखों से भगवान का दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज उसे भी इंसानियत के दर्शन हो चुके थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।